नमस्कार, मैं हूँ आचल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। प्रभु श्री राम का अपमान करने में उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी है और इसके बाद कई केस भी उनके ऊपर दर्ज किए। खुद महिलाएं बढ़ चढ़ कर सामने आकर उनके ऊपर केस दर्ज करा रही थी कि प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज एक बार फिर से आरक्षण बचाओ, राम राज्य हटाओ, इस तरह का एक नारा उन्होंने दिया है। और ऐसे में जनता क्या जानती है, जनता क्या चाहती है, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहती है? सीधा महिलाओं से शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं राम राज्य हटाओ, आरक्षण बचाओ। देखो भाई, ऐसे तो हिंदुओं का मान बढ़ना ही चाहिए और राम राज्य आना ही चाहिए, लेकिन कोई डाउट नहीं। कभी रामचरित मानस से दिक्कत है, कभी उनको प्रभु श्री राम से दिक्कत है। देखो, मेरा पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये भारत है, राम जी का राज्य है, कृष्ण का राज्य है, ये होना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। लेकिन ये कहने कि राम राज्य होना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहने कि अगर आरक्षण बचाना है तो राम राज्य हटाना होगा। मेरा कहना है, मैं एडवोकेट विजया कलंत्री फ्रॉम नासिक, मेरा कहना है कि राम राज्य भी होना चाहिए और आरक्षण भी होना चाहिए, और लेडीज के लिए आरक्षण तो जरूर होना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम का राम राज्य हटाकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण चाहिए या भगवान श्री राम का राम राज्य हटाना चाहिए? दोनों चाहिए, ये जनता का निर्णय है, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, लेकिन दोनों श्री राम पे इस तरह की बार बार टिप्पणी क्या बर्दाश्त करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल। कहेंगे ऐसे नेता के लिए, ऐसे नेता के शब्दों का मैं निषेध करती हूँ। बिल्कुल, देखिए जनता कह रही है कि हमें आरक्षण तो चाहिए चाहिए, लेकिन देश में राम राज्य भी चाहिए। राम राज्य की क्या परिभाषा इस जनता के लिए वो भी जानते हैं। भगवान श्री राम आपके लिए क्या है, क्योंकि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य उन पे टिप्पणी करके उनका अपमान कर रहे हैं। देखिए जी, राम राज्य की तो जरूरत देश को है, हालात खराब हो रहे हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। अब ये नेता पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है कि बुरा हाल है, किसी चीज के लिए कुछ बोल रहे हैं कुछ है। अब अखंड भारत चाहिए राम राज्य के, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राम राज्य हटेगा तभी आरक्षण आएगा, तभी आरक्षण की रक्षा होगी। वो नेता है जी, देखो उन्हें तो अपनी वोट साधनी है, जब तक धड़े नहीं बांटेंगे, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं करेंगे, वोट कैसे मिलेगी? उन्हें इस्लामिक वोट चाहिए तो इसलिए कर रहे हैं, सीधा सा ये है। आप कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक पहलू है केवल? बिल्कुल, जस राजनीतिक पहलू है सिर्फ ये। लेकिन आस्था को आहत करके इस तरह की राजनीति क्या शोभा देती है समाजवादी पार्टी? ये गलत है। राम राज्य होना चाहिए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अपमान किया है? सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, हमारे लिए सभी धर्म बराबर के लिए हैं। राम राज्य भी होना चाहिए, उनका राज भी होना चाहिए, इंसान में सद्भावना होना चाहिए। राम राज्य तो होना ही होना चाहिए, इंसान में सद्भावना होना चाहिए। देश को एकता की जरूरत है, देश में एकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जय श्री राम। जय श्री राम आपने कह दिया, लेकिन एकता की बात आप कर रहे हैं, अखंडता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नारा दिया है राम राज्य हटाओ आरक्षण बचाओ। देखिए, वो पॉलिटिकल व्यू है उनका, लेकिन हमारा जो आप जनता का जो सर्वे कर रही है, हमारा ऐसा कहना कि देश में एकता होना जरूरी है। देश में क्या हो रहा है, राजनीति के नाम पर धर्म को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग एक है, परिवार एक है, सब लोगों को लेके चलना चाहिए। आज एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी चैनल वाले बताते हैं कि दलित का 19% है, सामान्य का वोट 20% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट बैंक है, 130 करोड़ वोटर हैं, उनका वोट हमको चाहिए। दलितों में, मुस्लिम में, हिंदू में, सिख में, ईसाई में, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कह रहे हैं कि जातियों में बांटकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा हिंदू धर्म पे प्रहार किया, एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की यह नीति है, जब तक वो सत्ता में रहते थे तब तक कभी आरक्षण के प्रति बात नहीं की है, जब वो सत्ता से बाहर हो गए, सपा की तरफ चली गए, तो आज उनको दलित याद आ रहे हैं, आरक्षण याद आ रहे हैं, और राम मंदिर को जिस प्रकार से वो भावनाओं को आहत पहुँचाते हैं, हिंदू भावनाओं को, तो ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो गया। और जहाँ तक रही मुसलमानों की बात, बीजेपी गवर्नमेंट में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको एक बराबर जो है दर्जा मिला, सबको फायदा मिल रहा है। और ये तो विपक्ष की, जहाँ तक विपक्ष इसलिए गेम खेल रहा है कि विपक्ष जो हिंदू मुसलमान जो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करे, ऐसा कुछ अगर
ऐसा रहता तो हमारे यूपी में, आज यूपी में हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब एक बराबर हैं। सरकार सबको एक बराबर नजरिए से देख रही है। लेकिन प्रभु राम का अपमान, प्रभु श्री राम का अपमान क्या जनता बर्दाश्त करेगी? जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये 2024 में उनको दिखा देगी कि पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार फिर दोबारा वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब से यूपी में और देश में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आए, पिछले 9 सालों में जितना विकास हुआ वो 70 सालों में कभी दिखा नहीं। और हम सब युवा, हम लोगों की यही सोच है कि हम लोग आगे भी चल के भाजपा को सपोर्ट, जो पार्टी देश हित में जो है काम करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक रही सपा की बात, तो सपा के गवर्नमेंट में आज तक कोई वैकेंसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और जब से योगी जी आए हैं हम लोग को हर मामले में जो है छूट मिली हुई है। और जहाँ तक रही राम राज की बात, तो प्रभु श्री राम का मंदिर जो है हमारे अयोध्या में बन के तैयार हो, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी जनवरी में करने वाले हैं। और इसके लिए हम देशवासियों से यही कल्पना करेंगे कि वो जो है धर्म और जात पे ना जाओ, वो उस पार्टी को वोट दो जो पार्टी अच्छे, बिल्कुल जो पार्टी अच्छा काम करे उसको वोट देने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए तमाम युवा है जो बढ़ चढ़ कर भगवान श्री राम पर अपनी राय रख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब भी दे रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, अभी हाल ही में देखिए एक केस उनको हाईकोर्ट से राहत मिली है जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देखिए उनको राहत मिल गई। लेकिन एक बार फिर से एक तरफ राहत मिली है, दूसरी तरफ आप भगवान श्री राम को दोबारा उनका अपमान करते हैं। आप कहते हैं कि राम राज्य हटाओ और आरक्षण बचाओ। देखो पब्लिक को भी समझ आ गया है कि राम राज्य चाहिए, इस देश में रहना है तो राम राज्य चाहिए। पॉलिटिक्स ये करेंगे तो ये इनकी पार्टी आएगी नहीं कहीं भी, ना कांग्रेस आने वाली, ना समाजवादी पार्टी यानी पार्टी आएगी, सिर्फ बीजेपी। जो राम राज्य की बात करेगा वही पार्टी रही यहाँ पे। बिल्कुल जो राम राज्य की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये जनता के बीच से निकल कर आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं अपनी बातों से, अपने इरादों से। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो देखिए छुपा नहीं है कितने ज्यादा विवादित बोल उनके रहे हैं। पहले श्री राम पे, रामचरितमानस पे उन्होंने सवाल खड़ा किया, अब एक तरफ एक केस में राहत मिली जब देवी देवताओं पे टिप्पणी की थी हाईकोर्ट से, दूसरी तरफ एक बार फिर से आज उन्होंने राम जी का अपमान किया है। देखिए मौर्य साहब का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, और उनको सपने में भगवान ना दर्शन देते थे तो उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और ऐसे बयान देने से जनता भड़केगी नहीं, ऐसे बयान देने से जनता गुमराह नहीं होगी। जनता ने उठाना है, मोदी जी को लाना है, युवा को ने सोचा है मोदी जी को लाना है। और आप ऐसे भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इस देश में 4 मजहब 36 बिरादरी से ये देश चलता है, ठीक है। आरक्षण किसी को जरूरत है उसकी स्थिति के आधार पर, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर नहीं। आरक्षण को प्रभु राम से कंपैरिजन करके आप अपनी बात रखिए, आपके जो मुद्दा उसको रखिए, लेकिन प्रभु श्री राम का अपमान बार बार। देखिए हिंदू कभी भी सहन नहीं करेगा, आप बार बार अपमान करेगा उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आप जितने कैसे जवाब देंगे, जवाब कैसे देंगे? जवाब जनता अपने वोट से उससे देगी, और होगा दिन के खिलाफ सड़कों में भी उतरेगी। जनता ने, जनार्दन ने, जनता ने हर एक चीज पहलू पर इनको समझाने की कोशिश की है, और अदालतें बनी है। मौर्य साहब आप ही देश को बांटेगा, आप बैठ के, आप एक पॉलिटिशियन है, अपनी राजनीति और किसी ना विकास के मुद्दे पर लड़ी है ना, राम श्रीराम के, श्रीराम का मंदिर बन चुका है। आप बार बार क्यों आप ऐसी बात समाज को करते हैं, समाज में आग लगाने का काम नहीं करते, आप समाज को जोड़ने का काम क्यों नहीं करते? आप एक नागरिक है, एक समाज के नागरिक है, सभ्य समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्यों इतने बड़े बोल करते हैं? आप फिर उंगली उठाने लगते हैं दूसरे मजहब पर। आप अपने आप को सुधारिए ना, आप हिंदू समाज के आप प्रतिनिधि हो, आप किसी भी उसमें समाज में अच्छी बात नहीं रख सकते, तो बुरी भी मत कीजिए, आप अपना दिमाग को ठीक रखिए। कह रहे कि दिमाग खराब हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ऐसा इनका बयान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव भगवान श्री राम के ऊपर बार बार टिप्पणी करने वाले नेता की आखिर पेस्टाइट क्यों नहीं करते हैं? ये राम विरोधी है, हमेशा विपक्ष का इनको आलोचना करे राम जी की। हाँ। इनको सोचना चाहिए कि राम भगवान का कम अपमान नहीं करना चाहिए, राम का जो अपमान करे वो किसी काम को नहीं रहेगा। हाँ। ये कितने भी विरोध करते रहे, 24 में मोदी जी आएंगे और ये मोदी विरोध करते हैं, राम जी का एक अलग मुद्दा है, ये मोदी विरोध का भी इनका। तो कहा है ना कि अगर आरक्षण आ रहा है तो राम राज्य हटाना है। आरक्षण जो कमजोर है उनको दो ना, जाति धर्म पे नाम पे मत दो आरक्षण, जो कमजोर तबके हैं जिनको जरूरत है उनको दो, सबको थोड़ा आरक्षण दे देंगे। क्या आप
अगर आरक्षण की आप बात हो रही है, भगवान श्री राम का अपमान से क्या आप आरक्षण लेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो राम भक्त हैं, कभी भी अपमान राम जी का अपमान हो नहीं सकता। ये जो कितना बकवास करते रहे, इनका कुछ नहीं चलने वाला, ये वोट बैंक की राजनीति अपना रहे, नहीं चलने वाले। जवाब देना चाहेंगे आप? इनको जवाब ये है कि राम जी का नाम कम से कम इनको भी लेना, जिनको सद्बुद्धि आ जाएगी। हाँ, ये तो राम राम और हनुमान जी का नाम। राम जी सतबुद्धि दे स्वामी प्रसाद मौर्य को, ऐसा इनका कहना है। आखिर क्यों बार बार भगवान प्रभु श्री राम का टिप्पणी करके आखिर क्या जताना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए किस पार्टी के हैं, पहले सोचने का विषय ये किस पार्टी से करते हैं। जब ये अब ऐसे पार्टी के साथ है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? हर वक्त मौके की चास में इन्होंने पार्टियाँ बदली हैं अपनी, बार बार पार्टियां बदल के मौका वो देख के फायदा उठाया है। अब जातिवाद का ये कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश, तो बिल्कुल देखिए जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं। देखिए आपने जनता की आवाज में इस जनता को सुना, जिसका कहना है कि राम प्रभु श्री राम का इस तरीके का अपमान सहकर हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये तुष्टिकरण की राजनीति करना बंद करे। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।